हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की ये वीडियो है उन स्टूडेंट्स के लिए जो लोग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन में थोड़े से परेशान हो जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि टॉपिक को कैसे तैयार करना है और एग्ज़ाम से पहले किस तरह का आपका वर्क एनवायरनमेंट होना चाहिए, किस तरह से आपको तैयारी करनी चाहिए और पेरेंट्स की क्या ड्यूटी है, पेरेंट्स अपने बच्चे को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं एग्ज़ाम पीरियड में जिससे वो एग्ज़ाम का स्ट्रेस उनके ऊपर ना पड़े। तो ये मेरा वीडियो उसके लिए ही है, कैसे जगह चुने पढ़ने के लिए, पढ़ने का तरीका कैसा होना चाहिए जिससे एवरेज स्टूडेंट भी अच्छे मार्क्स ला सकें, और अगर सोशल मीडिया पर या फिर मोबाइल से ध्यान भटकने की कंडीशन है तो उसके ऊपर भी मैं कुछ आपको पॉइंट्स दूंगा जिससे आप इसी से बाहर आ सकें। सबसे जरूरी बात है दोस्तों, पेरेंट्स की बहुत तगड़ी ड्यूटी बन जाती है इस उसमें जब उनके बच्चों का एग्जाम आता है। एवरेज स्टूडेंट्स के पेरेंट्स की भी बहुत तगड़ी ड्यूटी होती है और साथ ही साथ जिनके बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं उनकी ड्यूटी तो बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाती है क्योंकि उनके ऊपर एक प्रेशर होता है। तो दोस्तों इस एग्जाम के प्रेशर से कैसे बाहर निकलें, यही आज इस वीडियो का टॉपिक है। तो आइए चलते हैं। दोस्तों सबसे ज़्यादा ज़रूरी प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जब पेरेंट्स बच्चे के एग्ज़ाम को लेकर इतने ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं कि वो सोचते हैं कि बच्चा कितने बजे तक पढ़ रहा है, पापा मम्मी को बोल के जाते हैं ऑफिस कि बच्चे का ध्यान रखना, कितने घंटे पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, कंप्यूटर देख रहे हैं। यहाँ पर बच्चे के ऊपर ना एक स्ट्रेस तो पहले से रहता ही एग्जाम का, ऊपर से पेरेंट्स का जो एक प्रेशर होता है उनको नोटिस करने का वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। उस केसेस में क्या होता है कि जो पेरेंट्स हैं उनसे जो है अपना उनका जो बच्चा है वो अपनी परेशानी सॉल्व नहीं कर सकता, बिकॉज उसे लगता है कि यार ये पेरेंट्स तो मेरे गाइड तो नहीं है, अब तो ये मेरे गार्ड हो गए हैं, मेरी टाइमिंग देखते हैं और कुछ नहीं। तो मैं उन पेरेंट्स से कहना चाहता हूँ कि अगर आपका बच्चा पहले से एग्जाम के स्ट्रेस में है तो आप अपनी कोई भी पार्टी प्लान मत कीजिएगा। आप अपने बच्चे को छोड़कर, उसे सीसीटीवी कैमरे में छोड़कर अपने मॉल में कहीं घूमने मत जाइएगा। दूसरा, बच्चे को एक ना पॉजिटिव माहौल देने की कोशिश कीजिएगा, उसके लिए गार्ड मत बनिएगा, कोशिश कीजिएगा कि आप एक गाइड बनके उसके लिए काम कर पाए जिससे वो अपनी परेशानी आपके सामने रख पाए। दूसरी बात बहुत ज्यादा जरूरी बता रहा हूं दोस्तों कि कभी भी आप अपने बच्चे को इस तरह ट्रीट मत कीजिएगा कि इतने बजे तक पढ़ना ही है, क्या कर रहे थे, अब तक आपने क्या किया, ये पूछने की कोई जरूरत मेरे को महसूस नहीं होती। मुझे लगता नहीं कि आपको पूछना चाहिए। आपको करना क्या चाहिए, बच्चे को एक बेहतर माहौल देना चाहिए और उसको सपोर्ट करना चाहिए। जब बच्चा पढ़ रहा हो तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप भी कम से कम कोई एक मैगजीन या ऑटोबायोग्राफी या अपने ऑफिस की कोई फाइल पढ़े और उसको थोड़ा सपोर्ट लगेगा कि मैं भी पढ़ रहा हूँ और पेरेंट्स भी पढ़ रहे हैं, चाहे कोई मैगजीन हो वो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो एक पढ़ने का माहौल क्रिएट होगा। दूसरी बात दोस्तों, एक फेवरेट आपके सीरियल्स हैं तो उन्हें थोड़े टाइम के लिए या तो आप एक बंद कमरे में देखिएगा या कोशिश कीजिएगा कि वो फेवरेट सीरियल्स आप ना देखें, बाद में नेट से डाउनलोड करके देख लीजिएगा। लेकिन हाँ, ये कोशिश जरूर कीजिएगा कि अगर आपका बच्चा पढ़ रहा है तो आपका बच्चा किसी भी लेवल पर डिस्टर्ब ना हो, टीवी वगैरह मत चलाइएगा, म्यूजिक सिस्टम वगैरह से दूर रहिएगा और थोड़ा बच्चे को रखिएगा। जहाँ तक सोशल मीडिया की बात है दोस्तों, सोशल मीडिया ने आजकल हर आदमी की लाइफ को पूरी तरह से कवर कर लिया है। आपका बच्चा भी इससे दूर नहीं है, उसका भी फेसबुक अकाउंट है, व्हाट्सएप अकाउंट है और उसको भी यूट्यूब देखने का शौक है। यूट्यूब देखने का शौक बहुत अच्छा शौक है, लेकिन दोस्तों पेपर्स के पीरियड में क्या होगा कि ये सोशल मीडिया आपके बच्चे को काफ़ी डिस्टर्ब करेगा। तो उसके लिए करना क्या है, आप एक पर्टिकुलर टाइम बना दीजिएगा कि या तो सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में आप 2 घंटे अपना डेली रूटीन का काम भी कीजिएगा और मोबाइल भी चेक कर लीजिएगा। दोपहर को लंच टाइम में 1 बजे से 2 बजे के बीच में आप मोबाइल चेक कर सकते हैं और शाम को 9 बजे से 8 से 9 बजे के बीच में चेक कर सकते हैं। 3 टाइम बना दीजिएगा
और मैं तो ये प्रीफर करता हूँ कि टाइम बनाने की बजाय सबसे अच्छी बात है कि आप जो है अपने बच्चे के मोबाइल का जो ये सोशल मीडिया ऐप से सारे डिलीट कर दीजिएगा, अनइंस्टॉल कर दीजिएगा फॉर द टाइम पीरियड। उसके बाद में एग्जाम खत्म हो जाएंगे, उसके बाद में आप उन्हें दोबारा से इंस्टॉल करके यूज कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं इस वीडियो को 3 से 4 पार्ट में पूरा करने की कोशिश करूंगा। तो आज का पार्ट केवल इतना ही है और नेक्स्ट पार्ट के लिए आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा 1 से 2 दिन का, वो बहुत जल्द ही मैं शूट करके लॉन्च कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, मिलता हूं ऐसे ही नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे दोस्तों, बाय बाय।